गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज बिग एंड स्मॉल। आई रिपीट, बिग एंड स्मॉल। बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। समझ गए? वुड यू लाइक टू नो द डिफरेंस बिटवीन बिग एंड स्मॉल? बच्चे आप लोग जानते हो बड़ा और छोटा में क्या डिफरेंस है? ओके, देन आई गिव सम एग्जांपल। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, देयर आर टू स्टार। आर दे सेम साइज? नो, दे आर डिफरेंट साइज। व्हेन वी कंपेयर ऑब्जेक्ट based on the size we get big and small size. Big means bada, small means chota. Okay, let's or an example ye aur ye, yahan pe do circle hai, ye circle sabse bada hai aur ye chota hai, in dono mein ye bada hai aur ye chota hai। अब समझ गए बिग एंड स्मॉल में क्या डिफरेंस है। उसी तरह आपके बुक में भी बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं ना। ओपन योर बुक, दिस इज योर मैथ बुक। ओके, कॉमन पेज नंबर 9। कलर द बिग वन ईच बॉक्स। एवरी बॉक्स में डिफरेंट पिक्चर है और डिफरेंट साइज का है। ओके, हम पहले शुरू करेंगे फर्स्ट बॉक्स में। फर्स्ट बॉक्स में क्या है? इसमें टू व्हीकल्स है। दिस इज अ बॉक्स एंड दिस इज अ कार। इन आर दे सेम साइज? नो, दे आर डिफरेंट साइज। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? ये बॉक्स, दिस इज अ बॉक्स। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? कलर द फिगर वन ईच बॉक्स। इस पिक्चर में जो सबसे बड़ा है उसी पे हम कलर करेंगे। ओके, तो इस बॉक्स में ये दोनों व्हीकल्स में कौन सा व्हीकल्स बड़ा है? ये, तो ये बॉक्स को हम कलर करेंगे। उसी तरह बाकी पिक्चर में भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है और बहुत सारे पिक्चर है लेकिन डिफरेंट साइज का है। जो सबसे बड़ा है उसी पे हम कलर करेंगे। ओके, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10। सर्कल द स्मॉलर वन ईच बॉक्स। इसका मतलब क्या है? जो सबसे छोटा है उसी पे हम सर्कल करेंगे। फर्स्ट बॉक्स में लुक एट द फर्स्ट बॉक्स। ओके, दिस इज एन एलिफेंट एंड दिस इज अ डॉग। ओके, are they same size? No, they are different size. This elephant is big and the dog is small. So small size, small means chota. So hum small dog mein circle karenge. Okay, next mein bhi usi tarah hai. Ek big size hai aur ek small size hai. Big means bada, small means chota. Main pehle se hi keh raha hu, big means bada, small means chota. तो इस पिक्चर में जो सबसे छोटा है उसी पे हम सर्कल करेंगे। उसी तरह बाकी पिक्चर में भी एक बड़ा है और एक छोटा है। तो पेज नंबर 9 पे जो सबसे बड़ा है उसी पे हम कलर करेंगे और पेज नंबर 10 पे जो सबसे छोटा है उसी पे हम सर्कल करेंगे। समझ गए? और आप लोग घर पे भी अपनी मम्मी से भी और पेरेंट्स को आई रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो मम्मियाँ हैं वो अपने बच्चों को वेजिटेबल भी सिखा सकते हैं, जो बड़ा है और छोटा है। और बाकी चीजों से भी आप बिग साइज और स्मॉल साइज का डिफरेंस बता सकते हैं। ओके, और ये पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 आप लोगों के लिए होमवर्क है। ओके, थैंक यू।